टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। माननीय जितेंद्र आव्हाड साहब उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ कैंप ले रहे हैं और हमने महानगर पालिका से ये रिक्वेस्ट की थी, हमने मांगनी की थी कि हमको कैंप चाहिए, तो हमको 300 डोज का कैंप मिला है। लेकिन यहाँ की हमारी जनता जो है वो 300 में हमारा काम नहीं हो सकता, जनता और आ रही है, वापस जा रही है। तो महानगर पालिका से मेरी रिक्वेस्ट है कि और ये कैंप हम लोग को देते रहेंगे तो हमारे जो कॉरपोरेटर है सब, तो वो अपने अपने वार्ड में अगर ऐसा कैंप करते रहेंगे तो हमारा पूरा वार्ड कवर हो जाएगा। तो इसके लिए मेरी फिर से महानगर पालिका को रिक्वेस्ट रहेगी कि वो हमको ये ज़्यादा डोज का कैंप उनको देना चाहिए हम लोग को, ऐसी मेरी विनती है। अभी ये तो हमारा मेरा तो कम से कम 4 महीने से लेटर था तो ये कैंप मिला है, तो हम आगे के लिए कि वो हमको जल्दी से जल्दी कैंप दे दे। सेंटर में जो सब लोग हमारे जो ज्येष्ठ नागरिक है वो सेंटर में नहीं जा सकते, तो उसके लिए ये बस्ती में अगर एरिया वाइज वार्ड में हिसाब से कैंप देंगे तो हमारे ज्येष्ठ नागरिक को हम ये सुविधा ये डोज की सुविधा दे सकते हैं। जिस तरीके से राज्य सरकार ने 2 डोज कंपलसरी किया है ट्रेन में सफर करने के लिए, उसको लेकर भी काफी भीड़ नजर आ रही है, क्या उसको लेकर क्या है? तो लोग जो आ रहे हैं वो वही दूसरा डोज के लिए ज़्यादा रश हो रही है जो पहला लिया है, और लोगों को बाहर निकलने को भी कोई चांसेस नहीं है, परमिशन नहीं मिलता है, तो इसके लिए ज़्यादा लोग वही है कि 2 डोज हो जाए हमारे तो हमको कई टिकट मिलेगा, ट्रेन का बस में जाने के लिए हमको परमिशन मिलेगी, तो वो ज़्यादा लोग हैं। तो ज्येष्ठ नागरिकों का भी हम ये बढ़ा के देंगे कैंप हमको, तो जनता के लिए अच्छा रहेगा। जैसे इतनी बड़ी आबादी वाले शहर में इतने कम डोज यहाँ मिल रहे हैं, बहुत ही कम। मुमरा में कैंप भी नहीं हो रहे, पिछली बार 1-2 कैंप हो गए थे, आज मुमरा में ये मेरा कैंप है, मेरे को ऐसे लगता है कि और यही एक कैंप है मुमरा में आज, और दूसरा किधर नहीं है इसके कैंप लगा है महानगर पालिका का। तो वही मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ज़्यादा हमको डोज बढ़ा के दे दे, और जो पीरियड है टाइम पीरियड है वो कम पीरियड में हमको दे दे, क्योंकि अभी 4 महीने पहले हम लोगों ने लेटर दिया था तो आज मिला है कैंप, तो इतने हम जनता को इतना तकलीफ नहीं दे सकते कि 4-4 महीने रुकने के लिए। तो मेरी वही एक रिक्वेस्ट है महानगर पालिका से, और ज़्यादा से ज़्यादा डोज हमको दे के हमारे सब लोक प्रतिनिधियों को, तो हम ये जनता की एक सेवा भी हो जाएगी हमारी तरफ से और सरकार का काम भी हम आसान कर रहे हैं। ये कैंप हमें 45+ जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए मिला है। हमारे गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब और हमारे विरोधी पक्ष नेते शानू पठान साहब, इन लोगों ने हमारे लिए प्रयास किए और उसके बाद हमें 4 महीने के बाद ये कैंप मिला है। तो मुमरा में इसके कैंप ज़्यादा से ज़्यादा लगने चाहिए, ये हमारी TMC से विनती है, क्योंकि कैसे होता है कि सेंटर्स तो दूर है तो लोगों का आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको तकलीफ हो रही है, और लोगों की मांग है कि और ज़्यादा से ज़्यादा कैंप हो और ज़्यादा से ज़्यादा डोसेस बने। जिस तरीके से कैंप में लोगों की भीड़ नज़र आई उसको लेकर क्या? भीड़ देख के हमें ऐसे लग रहा है कि डोसेस, नंबर ऑफ डोसेस बढ़ने चाहिए, हमें सिर्फ 300 डोसेस मिले हैं। एक तो गवर्नमेंट ने कंपल्शन किया है कि आपको 2 डोसेस कंपलसरी है अगर आपको मॉल्स में ट्रेन में सफ़र करना है, तो उसीलिए गवर्नमेंट ने खुद ही डोसेस की बढ़ोतरी करनी चाहिए और लोगों को जो ये तकलीफ़ हो रही है वो उसी से दूर हो सकती है।